बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है तौसीफ इजाज़ और आप देख रहे हैं देसी नोट्स यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नोट्स जो है वो कंटिन्यू है और आज हम लेक्चर नंबर 9 में नोट्स देखेंगे इन फॉलोइंग टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, कि व्हाट इज़ फजी लॉजिक, इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, वाई फजी लॉजिक, और उसके बाद आर्किटेक्चर देखेंगे और इसी तरह आर्किटेक्चर में जितने भी मतलब जो इनपुट साइड है और आउटपुट साइड है उसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन एरियाज और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, ठीक है। तो गाइज, ये पूरा चैप्टर है फजी लॉजिक का, जितने भी पॉसिबल यहाँ पे टॉपिक्स बनते थे तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो गाइज, शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फजी लॉजिक से। तो गाइज, यहाँ पे क्या है कि इट इज़ द मेथड ऑफ रीजनिंग दैट रिजेंबल्स ह्यूमन रीजनिंग, ठीक है। तो ह्यूमन रीजनिंग बेसिकली क्या है कि सपोज कीजिए आपने एक्सीडेंट देखा, ठीक है, तो एक्सीडेंट देखने के बाद आपके जहन में जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ बनते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है, तो इसको ह्यूमन रीजनिंग कहेंगे। अब फजी लॉजिक क्या करता है कि इसको इमिटेट करता है, ठीक है, ह्यूमन रीजनिंग को कॉपी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि द अप्रोच ऑफ फजी लॉजिक इमिटेट्स द वे ऑफ डिसीजन मेकिंग इन ह्यूमन, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग को भी जो है क्या करता है, कॉपी करता है। सपोज कीजिए आपने एक्सीडेंट देखा, अब एक्सीडेंट देखने के बाद आपके जहन में वैल्यूज़ तो बने, अब उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके आप क्या कर लेते हैं, एक खास डिसीजन मेकिंग आप ले लेते हैं। मतलब आप कहते हैं कि नहीं, मुझे जो है जो जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल जो है पहले उसको हॉस्पिटल मैंने ले जाना है, ठीक है। तो अब ये डिसीजन मेकिंग है, तो इस डिसीजन मेकिंग को फजी लॉजिक कॉपी करता है, ठीक है। दैट इन्वॉल्व ऑल इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटीज बिटवीन जीरो, मतलब डिजिटल वैल्यूज जो कि 0-1 है, तो उसके दरमियान जितने भी पॉसिबल वैल्यूज बनते हैं तो वो क्या कहलाएगा, फजी लॉजिक। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि गाइज, जो डिजिटल वैल्यूज़ है मतलब कि 0 है और 1 है, ठीक है। तो गाइज, 0 और 1 के दरमियान जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पे बनते हैं तो वो हमें फजी लॉजिक बताता है कि मिसाल के तौर पे सपोज़ कीजिए मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि पानी या तो गर्म है या तो ठंडा है, ठीक है। अब पानी या गर्म है या ठंडा है, मतलब 0-1 है। अब यहाँ पे 0.1 अगर हम करें, मतलब थोड़ा सा गर्म है, या 0.2, ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है, या यहाँ पे अगर हम 1 की बात करें कि 1 ठंडा है, ठीक है, तो 0.9 कह सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे 0 से लेके 1 तक जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ बनेंगे तो उसको हम फजी लॉजिक कहते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिस्टम विद वेरियस साइज़, ठीक है, वेरियस साइज और कैपेबिलिटीज़ जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है, तो ये आपको हेल्प करेगा, फजी लॉजिक आपको हेल्प करेगा। किस तरह, मतलब रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर टू लार्ज नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में भी बहुत से पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, और आप जितने भी मिसाल के तौर पर आपने उससे कुछ आउटपुट मांगा है तो वो 0-1 जितने भी इसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज़ है तो वो आपको उसमें आंसर कर सकता है। इसी तरह जो नेटवर्क सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, तो लार्ज कम्प्लेक्स सिस्टम्स में साइजेस, जो इसके बड़े बड़े साइजेस या कैपेबिलिटीज अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, फजी लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे पढ़ते हैं कि इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या बोथ, ठीक है। तो हार्डवेयर में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर में भी, और इसी तरह बोथ में भी, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे पढ़ते हैं कि वाई फजी लॉजिक, मतलब फजी लॉजिक को क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो फजी लॉजिक इज़ यूजफुल फॉर कमर्शियल एंड प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस या कमर्शियल आप कहीं पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इट कैन कंट्रोल मशीन एंड कंज्यूम्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो गाइज, कंट्रोल किस तरह मशीन्स को कंट्रोल करता है, मिसाल के तौर पर आपके पास फ़ैन है, अब आपने फ़ैन आप सिर्फ ऑन ऑफ नहीं कर सकते बल्कि आप रेगुलेटर यूज़ करके आप इसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं या तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल जितने भी वैल्यूज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा फजी लॉजिक, ठीक है। उसके बाद गाइज, इट मे नॉट गिव एक्यूरेट रीजनिंग बट एक्सेप्टेबल, एक्यूरेसी आपको बहुत ही ज्यादा नहीं प्रोवाइड करता बट एक्सेप्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फजी लॉजिक हेल्प टू डील विद द अनसर्टनिटी इन इंजीनियरिंग, अनसर्टनिटी बेसिकली क्या है कि प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि जितने भी चीज़ें अभी प्रेजेंट नहीं है मगर फ्यूचर में प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्यूचर में अकर हो सकते हैं, तो वो भी क्या हमें बताएगा, फजी लॉजिक हमें बता सकता है। गाइज, उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्किटेक्चर को। तो आर्किटेक्चर जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आर्किटेक्चर जो है दो चीज़ों में यहाँ पे डिवाइड है, एक को इनपुट साइड का कहा जाएगा और एक को
जो है आउटपुट साइड कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस फजिफिकेशन मॉड्यूल जो कि इनपुट साइड है, तो वो पढ़ते हैं कि इट इज दैट पार्ट थ्रू विच प्रोवाइड्स इनपुट, ठीक है। तो इनपुट जहां से प्रोवाइड की जाएगी उसको फजिफिकेशन मॉड्यूल कहा जाएगा। तो यहाँ पे गाइस कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज बेस जो है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज बेस में क्या होगा, कैट इज द एरिया वेयर नॉलेज इज ऑलरेडी स्टोर, ठीक है। तो नॉलेज एरिया, नॉलेज बेस जो है बेसिकली सिंपल सी बात है कि डेटा बेस है, ठीक है। तो डेटा बेस में जितने भी जो है जितना भी हमने डेटा डाला हुआ है, जितने भी पॉइंट्स हमने डाले हैं, तो वो डेटा बेस में पड़े होंगे। अब गाइस जब इनपुट दिया जाएगा तो वो किस चीज़ से दिया जाएगा, इन्फ्रेंस इंजन्स के जरिए से, ठीक है। जो हमारे पास गूगल इन्फ्रेंस इंजन है, तो इन्फ्रेंस इंजन क्या करते हैं कि हमारे इनपुट को, जो भी हम इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट हमारे पास अगर नॉलेज बेस में पड़ा है तो वहाँ पे मैच करता है, अगर मैच हुआ है तो उसके बाद हमें डीफजिफिकेशन मॉड्यूल जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब आउटपुट जो एक्ट करेगा वो हमें डीफजिफिकेशन मॉड्यूल के जरिए प्रोवाइड करेगा। तो गाइस यहाँ पे आपने इन्फ्रेंस इंजन का मतलब जो है आपको समझ आ गई होगी कि इसमें हम क्या करते हैं, डेटा एंटर करते हैं। अब वो डेटा क्या होगा, नॉलेज बेस में जो है मैच होगा, अगर वहाँ पर मैच होता है तो उसके बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो गाइज यहाँ पे पढ़ते हैं डीफजिफिकेशन मॉड्यूल। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आपको क्या करेगा, ये आपको जितने भी इनपुट्स आपने दिए हैं तो वो आउटपुट आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, जितने भी इनपुट्स आपने दिए हैं वो आपको इसका आउटपुट जो है, जितने भी वैल्यूज बनेंगे, ठीक है, क्रैप्स वैल्यूज जितने भी बनेंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो गाइज उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन एरियाज। तो एप्लीकेशन एरियाज यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं, ऑटोमेटिक कि यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस में यूज़ हो सकता है, ठीक है। फोर व्हील स्टीयरिंग में यूज़ होता है, जो हमारे पास जो प्राडोज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो व्हीकल्स एनवायरमेंट कंट्रोल, जहाँ मतलब बहुत सारे एरियाज इसके हैं, ठीक है। एप्लीकेशन एरिया इसके बहुत वसी हैं। यहाँ पे गाइस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फैंस में यूज़ हो सकता है, ठीक है, टेलीविजन में, फोटोकॉपीज मशीन्स वगैरह में। इसी तरह अगर हम डोमेस्टिक गुड्स की बात करें, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, टोस्टर मशीन जितने भी हो सकते हैं उसमें यूज़ होता है। इसी तरह हम बात करते हैं गाइस एनवायरमेंट कंट्रोल, ठीक है, एयर कंडीशन वगैरह अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज हमें फजी लॉजिक के जरिए प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम गाइस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि फजी लॉजिक जो है वो बेसिकली फजी रीजनिंग जो है वेरी सिंपल इन मैथ कंसेप्ट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको अगर हम मैथ की तरफ अगर हम देखें मैथ के लिहाज से, तो यहाँ पे गाइस क्या है कि वन और जीरो के दरमियान पॉसिबल वैल्यूज हमें प्रोवाइड करता है। तो कंसेप्ट आपको समझ आ गई है, बहुत ही सिंपल है। तो जो फजी लॉजिक है आर इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, कंस्ट्रक्ट आप इजीली कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। और जो फजी लॉजिक का जो हमारे पास सोल्यूशन है टू कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ आपको सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है, जितने भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आपको सोल्यूशन जो है इजी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस जो है वो भी हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि नो सिस्टमैटिक अप्रोच टू फजी लॉजिक, फजी डिजाइनिंग, अगर हम डिजाइनिंग करेंगे तो यहाँ पे सिस्टमैटिक कोई भी अप्रोच नहीं है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडेबल ओनली विन सिंपल, तो चीज़ें अगर सिंपल है तो अंडरस्टैंडेबल है, अगर कॉम्प्लेक्स होगी तो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी, ठीक है। और लास्ट क्या है कि नॉट गिव एक्यूरेसी, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्यूरेसी नहीं देगा बट एक्सेप्टेबल चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी आपको ये नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।